जो हम लोगों ने आप लोगों के समक्ष रखा कि 10 लाख नहीं, इसी मैदान से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 लाख, 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख जो है रोजगार की व्यवस्था की बात की। बिहार दिवस 2023 का आगाज हो गया है। नीतीश कुमार ने इसका विधिवत तरीके से उद्घाटन किया। बिहार के 111 साल पूरे होने के बाद पटना के गांधी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 22 से 24 मार्च यानी कल तक पटना और बिहार के सभी जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गांधी मैदान में उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह, विजय चौधरी और तेज प्रताप यादव समेत कई मंत्री भी मौजूद रहे। बिहार दिवस का थीम इस बार युवाओं को समर्पित है। इसे युवा शक्ति बिहार की प्रगति का नाम दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने इस मौके पर बिहार के साहसी बच्चों को सम्मानित किया। वहीं आपको बता दें, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने पुराने वादों को फिर से दोहराया और युवाओं को आश्वासन दिया कि युवाओं को 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी, जैसा कि तेजस्वी यादव ने वादा किया था। सीता, शेरशाह सूरी, वीर कुंवर सिंह, रेणु जी, राष्ट्रकवि दिनकर जी, राजेंद्र प्रसाद जी, विद्यापति जी, जननायक कर्पूर जी, शहीद जगदेव, श्री कृष्ण को लोकनायक जयप्रकाश जी, भिखारी ठाकुर जी, बीपी मंडल जी, लालू जी और नीतीश जी, नालंदा विश्वविद्यालय से अनगिनत महापुरुष स्थलों की से ये जाने वाला ये हमारा बिहार है और हम सब लोग जो है इसी काम में लगे हैं कि आप लोगों को बेहतर सुविधा हम लोग दे पाए। और शिक्षा मंत्री जी ने तो कहा और हम लोगों का कमिटमेंट है, प्रण है, जो हम लोगों ने आप लोगों के समक्ष रखा कि 10 लाख नहीं, इसी मैदान से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 लाख, 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख जो है रोजगार की व्यवस्था की बात की ऐतिहासिक दिन में। तो इसलिए चाहे शिक्षा हो, हर एक क्षेत्र में हम लोग जो है काम कर रहे हैं, तो हमें पूरा विश्वास है, बस थोड़ा इंतजार कीजिए, सारी प्रक्रिया जो है अंतिम मोड़ पर है, सारी चीजें जो वादा किया है नौकरी का उसको हम लोग जो है पूरा करने का काम करेंगे। इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए, और भी कार्यक्रम है, बहुत देर से सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन एक बात हम कहेंगे, इतना काम बिहार में हो रहा है लेकिन कुछ लोग समाज में रहते ही हैं, कुछ बिहारी हैं जो बिहार को बदनाम करने में लगे हुए, तो इन सब से लोगों को बचने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है। तो हम सब लोग आइए संकल्प लेते हैं कि अगर कहीं भी कभी भी बिहारी प्राइड की अगर बात आएगी तो हम बिहारी प्राइड को झुकने नहीं देंगे। बता दें, जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तब से लगातार तेजस्वी यादव नौकरी देने की बात करते दिखे हैं। हर मौके पर तेजस्वी यादव युवाओं से वादा करते दिखते हैं कि वो 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। बहरहाल ये सवाल भी उठता है कि तेजस्वी यादव तो दम भरते हैं कि वो नौकरियां देंगे, लेकिन फिर सवाल भी जायज है कि आखिर क्यों CTET, BTET और BPSC अभ्यर्थी सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे और क्यों सड़कों पर अभ्यर्थियों को पुलिस दंडों से मार रहे थे। खैर, भरे मंच से तेजस्वी यादव ने जो नौकरियां देने का वादा किया है वो कब तक पूरा होगा वो भी देखने वाली बात होगी।